आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पावर डायरेक्टर कैसे यूज करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पावर डायरेक्टर यूज करने के लिए, यानी कि पावर डायरेक्टर चलाने के लिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पावर डायरेक्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करते वक्त आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर डायरेक्टर में कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए या आपको यूज करने के लिए यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आप जो भी वीडियो का नेम देना चाहते हैं, जो भी टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी रेशियो में अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, आपको उस रेशियो पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर 16:9 रेशियो यूट्यूब के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है 9:16 रेशियो है, या रोपोसो, इंस्टाग्राम और बहुत सारे इस ऑप्शन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर वीडियो है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 16:9 के रेशियो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में वीडियो पे सिलेक्ट मिलता है, तो यहाँ पर जैसे ही दिखिएगा तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी वीडियो होंगे वह दिख जाएगा। अगर आप इस गैलरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो है वह दिखेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में जितने भी सॉन्ग या म्यूजिक होगा और जो भी फोल्डर होगा वह दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी वीडियो एडिट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, या आपको फोटो से वीडियो बनाना है तो यहाँ से आपको एक गैलरी पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको हम कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए बताते हैं, उसके बाद आपको हम फोटो से वीडियो बनाने के लिए बताएंगे। तो कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए आपको वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फोल्डर दिख जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी फोल्डर में आपका वीडियो है उस वीडियो पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वीडियो आपके लेयर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यह लेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो कट करने के लिए, आपको इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको कहीं पर भी लाइनिंग को रख देना है। उसके बाद आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है स्लिप्ट का, तो आप जैसे स्लिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका वीडियो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो कट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फिर से वीडियो पर क्लिक करते हैं, लेयर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप इस वीडियो का वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद आपको और कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑडियो मिक्सिंग का, अगर आप ऑडियो मिक्सिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर का, अगर आप वीडियो में कोई भी फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा फ़िल्टर दिख जाएगा, तो यहाँ पर आप जिस तरह का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हमको ये फ़िल्टर लगाना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा फ़िल्टर दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी एक फ़िल्टर आपको लेकर बताते हैं। तो चलिए कुल फ़िल्टर को हम यहाँ पर यूज करते हैं। यूज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका इसका जो फ़िल्टर है इसका कम और अधिक कर सकते हैं। इस तरह से आप फ़िल्टर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़िल्टर है वह चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर यूज करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट का, तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इस वीडियो का यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद इसका कंट्रास्ट भी बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद इसका सब्सिट्यूशन भी यहाँ से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कलर में डिफरेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर हुई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो वीडियो का कलर है वह बहुत अच्छे अच्छे कलर में यहाँ पर आपको चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर इस सब चीज़ का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आउट का सारे चीज़ है जिसका यूज बहुत कम होता है और बहुत कम मात्रा में लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो स्पीड के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप ऊपर की ओर कीजिएगा तो यहाँ से आपका वीडियो का स्पीड बढ़ेगा, यहाँ पर फास्ट मोशन में वीडियो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपका यह स्लो मोशन में वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिस तरह का वीडियो बनाना है या आपको वीडियो में जिस तरह का स्पीड रखना है उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम इसको इतना रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं। उसके बाद स्पीड के बाद यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस वीडियो में कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट दिख जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी इफेक्ट यूज करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ब्लूम वाला इफेक्ट यहाँ से लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पर मेरा यह इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए यहाँ पर हमको इसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम नो इफेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इफेक्ट हट गया। उसके बाद बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबलाइजर का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से स्टेबलाइजेशन वीडियो होने लगेगा। तो यहाँ से आपको जब तक यह 100% होगा तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको नो इफेक्ट, यहाँ पर रैंडम मोशन, यहाँ पर कस्टम मोशन, यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको इस ऑप्शन का लोग बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीन स्मूथर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने स्क्रीन को स्मूथ करना चाहते हैं, आप अच्छे से यहाँ पर अपने फेस को अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पर उसको साफ करना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग करके आप अपने फेस को सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रॉप का। अगर आप अपने वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने दोनों हाथ के उंगली से इस वीडियो को इस तरह से जूम करके क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इतना पर क्रॉप कर देते हैं। उसके बाद यह ऑप्शन यूज करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक रोटेट का ऑप्शन मिलता है। रोटेट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका यह वीडियो रोटेट होगा। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। आपको जिधर भी करना हो उस तरफ आपको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आपका चेहरा राइट में है तो उसको लेफ्ट कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को लेफ्ट राइट की ओर यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है इधर की ओर दौड़ रहा है और इसको चेंज करेंगे तो यह पर्सन इधर की ओर दौड़ने लगेगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट का। अगर आप इस वीडियो को दोबारा यहाँ पर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट का ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को और लंबा कर सकते हैं और इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिवर्स का। अगर आप रिवर्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर वीडियो में आपका जो शुरू से स्टार्ट हो रहा है वह चाहते हैं कि वह मेरा लास्ट में ख़त्म हो, और जो लास्ट से आप ख़त्म हो रहा है वह चाह रहे हैं कि आप शुरू से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर रिवर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो का कटिंग करने के बाद किसी भी पार्ट को आपको डिलीट करना है तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूजिक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ये जो साउंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपका जिस भी फोल्डर में आपका म्यूजिक है या गाना है उसको यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके उस म्यूजिक को इस वीडियो में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा म्यूजिक ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप म्यूजिक को कट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका जो भी एक्स्ट्रा भाग है वहाँ पर आपको लाइन को रख किया और यहाँ पर म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्लिप्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यह आपका म्यूजिक कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इस म्यूजिक को एक्स्ट्रा भाग को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप जब यहाँ पर जो म्यूजिक के नीचे ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप वीडियो पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए आप जिस तरह का एनिमेशन का प्रयोग करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमको यह एनिमेशन चाहिए तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एनिमेशन आ गया है। उसके बाद इसमें जो लिखा हुआ है इसको हटा के अपना लिखने के लिए पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको पूरे जितने लिखा हुआ है सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं आप कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको जो भी लिखना है उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जो मैं लिखा हूँ यह लिखा गया है। उसके बाद इसको आप जहाँ भी सेट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि टेक्स्ट में और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हमको कुछ नहीं लिखना है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद अगर इसका आपका कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए यहाँ पर एक बैकड्रॉप का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हम इनेबल करते हैं। तो इनेबल करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह सा रहा है। अगर आप बैकड्रॉप करना चाहते हैं एनिमेशन को तो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कलर वलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर का ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको इनेबल करके आप यहाँ पर कलर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से चेंज हो रहा है, इसमें बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद ऑपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको कम या अधिक यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है, आप जो भी चीज़ यहाँ से यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दिया गया है इसका बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे कंप्लीट होने के बाद अगर आप फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं, और यहाँ से बैक करने के बाद हम कोई भी एक फ़ोटो से वीडियो बना के बताते हैं। तो चलिए जो सारे वीडियो है इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। तो चलिए इसको फ़िलहाल यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर डिलीट करने के बाद यहाँ सब हम आपको फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए बताएंगे। तो फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर जो आपको शुरुआत में आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको अगर इसी में आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है म्यूजिक के नीचे आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस भी फ़ोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं आप उस फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा फ़ोटो दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी फ़ोटो से आपको वीडियो बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा फ़ोटो है यहाँ पर ऐड हो गया है। तो चलिए यहाँ से हम बैक करते हैं, तो यहाँ से और बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो एक ही लाइनिंग में एक ही लेयर में मेरा फ़ोटो ऐड नहीं हुआ, नीचे ऊपर हो गया है, तो इसको हम इधर सेट कर देते हैं। तो चलिए इसको हम सारे फ़ोटो को ऊपर की ओर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको अगर फ़ोटो नीचे आ जाए तो इस तरह से आप उसको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए फ़ोटो का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसको आपको इस तरह से खींच कर आपको लंबा कर देना है जितना पर भी सेट करना है। अगर आप सभी फ़ोटो आपका छोट है तो इस तरह से आप उसको जूम करके आपको बड़ा कर देना है। तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं, या आप इस तरह से स्टाइल में भी आप फ़ोटो लगा के यहाँ से वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक फ़ोटो से वीडियो बनाना है तो एक फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको खींच के फ़ोटो को इस तरह से लंबा कर देना है। तो इस तरह से आपका फ़ोटो लंबा हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई भी गाना या म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारे चीज़ों को हम पहले बता चुके हैं, तो इस तरह से आप म्यूजिक पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस म्यूजिक को ऐड करना चाहते थे, यहाँ से इसको ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर यह वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो से वीडियो बन चुका है। अगर आप इसमें कोई भी एनिमेशन या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस फ़ोटो में लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कोई भी एक एनिमेशन लगा के बताते हैं, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इस फ़ोटो पर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ बेसिकली इसमें करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। तो इसमें और आप इसको जितना अधिक यूज कीजिएगा उतना अधिक आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी वीडियो कंप्लीट हो जाए एडिट हो जाए तो आपको वीडियो सेव करने के लिए सेटिंग के ऊपर में एक एरो का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी और SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी क्वालिटी में अपने वीडियो को सेव करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसी प्रोड्यूस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो सेव होने लगा है। तो इसी तरह से आप पावर डायरेक्टर का यूज कर सकते हैं और इसको चलाना सीख गए होंगे पावर डायरेक्टर को कैसे चलाते हैं और इसमें किसी भी वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।